हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्रियाकलाप 9 ऑफ क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। ओके, हम स्ट्रिप्ट विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, आज हम दोबारा थोड़ा पढ़ते हैं। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। आपको पता है कि नमक को तब तक उसके अंदर मिलाते रहें जब तक उसमें वो नमक घुलना बंद नहीं होगा। पानी का आपने गिलास लेना, उसमें नमक डालते रहना, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो जो विलयन बनेगा, जो पानी बनेगा, उसको संतृप्त विलयन बोलेंगे। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। अब आपने क्या करना, उसमें कम मात्रा में नमक मिला के उसको गर्म करना है। क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाला नमक का क्या हुआ, अब वो भी घुल जाएगा। यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ जी, यस, बिल्कुल सही है। जितना आप उसको गर्म करोगे उतना ज्यादा उसके अंदर नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठ जाता है? हाँ जी, वो दोबारा बैठ जाएगा। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा में घुलती है? नहीं, यह अलग अलग मात्रा घुलती है। चीनी अलग मात्रा में घुलेगी एक लीटर पानी के अंदर, नमक अलग घुलेगा, कोई और पदार्थ वो अलग घुलेगा। तो क्रियाकलाप 10 क्या है, 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। ओके, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, तब तक विलेडित कीजिए तब तक वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक के चम्मच की संख्या जो गोली है अब उसने आपने नोट करना। जब इस क्रियाकलाप को चीनी, फिर आपने चीनी से वह दोहराना। क्या आपको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहराया जा सकता है? हाँ जी, दोहरा सकते हैं। क्या आप जानकारी प्राप्त करते हैं? आपको क्या इसमें से जानकारी प्राप्त होगी जब विभिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मात्रा में घोल देंगे? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में भी चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। ओके, हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली क्या डिस्कशन किया है कि कैसे हम पदार्थों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हमने अलग अलग प्रोसेस किए, इसके अंदर हमने कई सारे ऐसे प्रोसेस किए, जैसे हमने हस्त पृथक्करण की विधि भी की थी, हस्त चयन भी किया था, शलन प्रोसेस भी किया था शालिनी के द्वारा, ओके, जिसको चालन बोलते हैं। तो हमने इसके निष्पावन किया था, निस्पंदन किया था, तो काफी सारे प्रोसेस इसके अंदर हमने, थ्रैशिंग प्रोसेस भी की थी। तो ये सारे प्रोसेस इसके अंदर हमने डिस्कशन आउट किए हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, अब इसके प्रमुख शब्द हैं कुछ। ओके, मंथन क्या होता है? मंथन किसे बोलते हैं? किसी भी चीज में से, जैसे आपको पता है, आप जैसे मान लो आपके मम्मी है जो घर के अंदर कटोरी के अंदर जो मलाई को इकट्ठा करती हैं, बटर को इकट्ठा करती हैं, उससे जो बाद में उसको उसमें से क्या किया जाता है, लस्सी और घी निकाला जाता है, बटर निकाला जाता है, उसके मक्खन निकाला जाता है, उसको मंथन प्रोसेस बोलते हैं। मंथन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, बहुत तेजी से दो सब्सटेंस जो आपस में मिक्स है उसको हिलाया जाता है। जब उसको बहुत स्पीड से हिलाते हैं तो जो हैवी जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है, हल्की ऊपर रहती है। ओके, संघनन प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, किसी भी पानी के जैसे वेपर्स अगर उनको ठंडा करते हैं तो वो दोबारा वेपर्स पानी में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं, संघनन कहलाता है। निस्तारण, ओके, मिट्टी को थोड़े टाइम के लिए, अगर किसी गिलास में मिट्टी थोड़े टाइम के लिए हमने रखी तो उसको वैसे ही आप बिना हिलाए रख देंगे तो वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी अपने आप, उसको निस्तारण बोलते हैं। वाष्पन क्या होता है? ओके, वाष्पन आपको अच्छे से पता है, द्रव से गैस अवस्था में चेंज होना। निस्पंदन क्या होता है? निस्पंदन होता है उस जो पानी है उस पानी को क्या करना, अपने फिल्टर के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा साफ करना है। ओके, जिसके अंदर मिट्टी थोड़ी बहुत रहती है। निस्पंदन हस्त चयन आपको पता है, हाथ के द्वारा पृथक्करण करना है। संतृप्त विलयन, तब तक उसके अंदर ऐसा पदार्थ घोलते जाना जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, तो जो विलयन प्राप्त होगा संतृप्त विलयन। अवसादन आपको पता है, ओके, उसको मिट्टी को नीचे बैठने देना, अवसादन। निस्तारण, उस पानी को अलग करना। चालन आपको पता है, छानना। विलयन आपको पता है, दो चीजों का मिश्रण। थ्रैशिंग आपको पता है, भूसे से क्या करना,
डंडियों से दानों को अलग करना और भूसे को अलग करना, और निष्पावन पवन के द्वारा दो चीजों को पृथक आउट करना निष्पावन कहलाता है। तो ये प्रमुख शब्द हैं, सारे मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आउट करेंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।